तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आज जो मैं जॉब लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये फ्रेंड्स होने वाली है एचआर से रिलेटेड। यस फ्रेंड, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो बंदे एमबीए करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग जिनकी एमबीए है, ठीक है, और वो चाहते हैं एचआर मैनेजमेंट में जाने के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एमबीए कर रखा है, ठीक है, और किसी भी कंपनी में एज एचआर के रूप में जाना चाहते हैं और आप फ्रेशर हैं, तो सबसे पहले तो वो आपको हायर नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि टफ होता है आपके लिए इन एचआर में फॉर फ्रेशर्स के लिए, यानी कि फ्रेशर्स की हायरिंग नहीं होती है। तो आज मैं जॉब लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, सैलरी कम होगी लेकिन यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ज़्यादा है, ठीक है। आप अगर अंडर ग्रेजुएट हैं, देखो प्रोफेशनल तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अगर आप ग्रेजुएट हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ पे, जो आप कर सकते हैं काम। और सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से हम इसमें रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, डिटेल्स की बात करेंगे, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बने रहो, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी सैलरी के बारे में। आपकी सैलरी होने वाली है अप टू 10,000 रुपये, यानी 7, 8, 9, 10, 10,000 रुपये तक आपकी पहले की 2 मंथ तक रहेगी सैलरी आपकी, ठीक है, 2 मंथ तक रहेगी। तीसरे मंथ में आपकी जो है सैलरी 20,000 तक पहुंच जाएगी, ठीक है, और तीसरे मंथ यानी कि 3 मंथ के बाद ही आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। देखो, अगर आप शुरू में ही वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं तो आपको काम कैसे करना है, काम क्या करते हैं उसमें, एचआर में वर्क क्या होता है, ये आपको कौन बताएगा, ठीक है। तो आप कहाँ सीखोगे, ऑफिस में सीखोगे ये सारे काम, कि एक एचआर जो है एचआर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है। तो 2 से 3 महीने तो आपको काम सीखने में ही लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो, शुरुआती दौर में आप लोगों को पैसे की तरफ नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है मैं ये बताना चाहूँगा। आगे आने वाले टाइम में देखो, ये तो डोमेस्टिक प्रोसेस है, सबसे पहले मैं अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये डोमेस्टिक प्रोसेस होने वाला है, इंटरनेशनल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास डोमेस्टिक प्रोसेस का वो रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा एचआर में, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल में भी मूव करते हैं तो वहाँ पे तो आपको ऐसा फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेगी, आपके पास डिग्री रहेगी, एमबीए रहेगा एचआर मैनेजमेंट से, तो क्या होता है वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हायर कर लिया जाएगा एज अ फ्रेशर। आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा लेकिन डोमेस्टिक करेगा, लेकिन इंटरनेशनल में वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हायर कर लिया जाएगा, तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि इसमें इंसेंटिव भी है, ये मत सोचना कि 8-10 हज़ार के लिए यार हम जॉब करेंगे वहाँ पे, तो इसमें इंसेंटिव्स भी होते हैं। जैसे आप के पास यानी कि अंडर में जितने एम्प्लॉयज़ आते हैं उसका एक अलग रेशियो होता है कि भाई आपके द्वारा इतने एम्प्लॉय यहाँ पे कंडक्ट किए गए थे और वो हायर भी हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो उसके इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहाँ से आपको इंसेंटिव भी मिल जाएगा, 3 महीने बाद आपकी, 2 महीने बाद आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, 3 महीने बाद आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा, कितने सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहता हूँ कि आपका जो है डिस्क्रिप्शन में एचआर का मैंने नंबर मेंशन कर दिया जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, ठीक है, एक बार उनसे बात कर लो, कंपनी नेम हर एक चीज़ वो आपको बता देंगे, हेल्प करेंगे। उनसे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है मैंने नंबर दिया है, मेरा नाम चंदन है, ठीक है, यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाता हूँ, इस तरह से आप उनको बताइएगा तो आपकी थोड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें, भूलें करना ना भूलें, जो भी है, ठीक है, ये सब के चक्कर में मैं इतना रहता नहीं, लेकिन आई होप आप सभी बहुत प्यार देते हो, मुझे अच्छा लगता है। और इसी के साथ हम वीडियो करते हैं, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।